इस क्वेश्चंस में दिया है कि एक ट्रपेजियम है। ट्रपेजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो साइड ए एंड दिस साइड दैट इज पैरेलल। अगर मान लेते हैं इसको ए बी सी डी एक ट्रपेजियम है, तो दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रपेजियम दिया हुआ है, एरिया इसका कितना दिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो एक पैरेलल साइड्स का इट कुड बी ए बी और सी डी। मान लेते हैं कि फर्स्ट पैरेलल साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, तो सेकेंड पैरेलल साइड का निकालना है। सेकेंड पैरेलल साइड मान लेते हैं इक्वल टू एक्स, और हाइट दिया हुआ, हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स एंड दिस इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर। एच इक्वल टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो निकालना है कि जो अदर पैरेलल साइड्स है उसका लेंथ क्या होगा। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रपेजियम इक्वलेंट टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या क्या, 10 और x, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड 10 प्लस x इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, 4 इंटू 4, तो एरिया कितना था 34 इक्वलेंट टू हाफ इंटू 10 प्लस x इंटू 4। 2 से 4 कट गया, 2 हो गया। अब क्या हो गया, ये हो गया 34 डिवाइडेड बाई 2। इधर मल्टीप्लिकेशन है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये डिवीजन हो जाएगा, इक्वलेंट टू 10 प्लस x, ये हो गया 17 इक्वल टू 10 प्लस x, इसलिए x इक्वल टू 17 माइनस 10 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो अदर पैरेलल साइड्स का लेंथ क्या है, द अदर पैरेलल साइड्स इज नथिंग बट 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। तो इसको इस तरह से हम फॉर्मूला को, ट्रपेजियम को फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम सोल्व कर सकते हैं।